या आने वाले 10 से 15 साल बाद रिटायरमेंट के टाइम पे इनकम ना फिक्स होनी चाहिए पूरे 100 सालों तक के लिए, क्योंकि लोन ना बड़ी इजीली मिल जाता है, घर लेने के लिए, गाड़ी लेने के लिए, कहीं घूमने के लिए, शादी के लिए, लेकिन रिटायरमेंट के टाइम पे यार कोई लोन नहीं मिलता। ऐसा कुछ हो जो रिटायरमेंट का प्लान भी हो, इन्वेस्टमेंट भी हो और एक टर्म इंश्योरेंस भी हो पूरे 100 सालों तक के लिए। इंडिया में अभी भी सिर्फ 10% फ्यूचरिस्टिक लोग सीरियस है अपने रिटायरमेंट प्लान को लेके, और जो 90% लोग हैं वो अपनी जॉब, अपने बिजनेस या अपनी प्रॉपर्टीज या फिर अपनी इनकम या सेविंग्स को ही अपना रिटायरमेंट प्लान समझते हैं। आप उन 10% लोगों में से हैं या फिर 90% लोगों में से हैं? अगर आप भी उन 10% फ्यूचरिस्टिक लोगों में शामिल होना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। और दोस्तों, आप भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, LIC में एक ऐसा प्लान है जो आपको 4 बेनिफिट्स, 4 अलग अलग पॉलिसीज का फायदा सिर्फ एक ही पॉलिसी में दे देगा। पेंशन प्लान, इन्वेस्टमेंट, टर्म इंश्योरेंस और एक लमसम अमाउंट विड्रॉ करने का मौका। हाय दोस्तों, मेरा नाम है आशीष सिंह रावत, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंश्योरेंस क्लिनिक में। आई एम अ सर्टिफाइड इंश्योरेंस एडवाइजर। यहाँ मैं लोगों की मदद करता हूँ उनको सही प्लान चूज करने में, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस का हो, हेल्थ इंश्योरेंस का हो या मोटर इंश्योरेंस का हो। चाहे उनको अपनी बिटिया की शादी के लिए कुछ प्लानिंग करनी हो या बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ प्लानिंग करनी हो या फिर कोई पेंशन प्लान लेना हो या फिर कुछ इन्वेस्टमेंट्स करनी हो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं LIC के ऐसे प्लान के बारे में जिसका नाम है जीवन उमंग। जी हाँ दोस्तों, जीवन उमंग आजीवन पेंशन देता रहेगा 100 सालों तक, वो भी फिक्स्ड। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कहीं ये FD प्लान तो नहीं है जिसमें वन टाइम पेमेंट करनी होती है? नहीं दोस्तों, ये कोई FD प्लान नहीं है। अगर आप इसे FD प्लान की तरह समझना चाहते हैं तो कुछ चीजें ध्यान रखिए कि सबसे पहले तो आपको वन टाइम में पैसा नहीं देना है, आप इसे EMI के तौर पे भी चूज कर सकते हैं। और FD जो कि सिर्फ 10 से 12 सालों तक के लिए होती है फिक्स, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 से 12 सालों तक फिक्स होता है, इस प्लान के अंदर आपको पूरे 100 सालों तक सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा और जो पेंशन मिलेगी वो पूरे 100 सालों तक मिलेगी फिक्स्ड वो भी। दोस्तों, इस प्लान का USP यही है कि आपने अगर 15 साल बाद का चुनाव किया कि आपकी पेंशन स्टार्ट हो जाए, जो भी आपकी पेंशन होगी वो फिक्स रहेगी पूरे 100 सालों तक आपको मिलेगी, है इसका पहला USP तो ये है। दूसरा USP ये है कि जो भी आपका लाइफ इंश्योरेंस का अमाउंट है ये हर साल अपने आप बढ़ता रहेगा। तीसरा USP ये है कि जो भी आपका पेंशन का अमाउंट है वो फिक्स रहने वाला है, कभी भी ब्याज दर अगर मार्केट का कम होगा तो ये ब्याज दर कम नहीं होने वाला, ये 8% का फिक्स रहेगा पूरे 100 सालों तक के लिए। चौथे USP की बात करूँ तो जब पॉलिसी होल्डर इस दुनिया को अलविदा कह देंगे उसके बाद एक अच्छा खासा अमाउंट उनके नॉमिनी और उनकी सेकंड जनरेशन को मिलता है। पांचवी USP की बात करते हो, एक समय के बाद जब आप बोलेंगे यार मेरे को बहुत पेंशन मिल गई, अब मुझे पेंशन की जरूरत नहीं, मुझे एक लमसम अमाउंट दे दो, तो आप इसका भी चुनाव कर सकते हैं। वो लमसम अमाउंट जो होगा वो बहुत अच्छा खासा अमाउंट होता है। दोस्तों, सबसे मजे की बात, ये प्लान एक छोटे बच्चे से स्टार्ट हो जाता है और 55 साल की उम्र तक कोई भी व्यक्ति इस प्लान का चुनाव कर सकता है। वो 15 साल का, 20 साल का, 25 साल का, 30 साल का, कोई भी टर्म का चुनाव कर सकता है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा। अभी मैं अपनी कैलकुलेशन वाली प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने वाला हूँ, उसके अंदर आपके जो भी डाउट्स होंगे मैं कोशिश करूंगा उसमें एक एक कैलकुलेशन के साथ आपको पहले ही क्लियर कर दूं। अगर फिर भी आपका कोई डाउट होता है तो नीचे गए लिंक में, डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, मेरा व्हाट्सअप नंबर, मेरा email ID, आप मुझे कभी भी कॉल करके या व्हाट्सअप करके कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे चैनल से कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है जो आपके काम आती है तो लोगों को भी इसको शेयर कीजिए। दोस्तों, जैसे वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था कि 4 अलग अलग पॉलिसीज का फायदा सिर्फ एक ही पॉलिसी में, इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इन 4 अलग अलग पॉइंट्स पे मैं बात करूंगा पूरी वीडियो में 3-3 एग्जांपल के साथ में। पहला है होल लाइफ फिक्स्ड पेंशन, दूसरा होल लाइफ टर्म इंश्योरेंस, तीसरा इन्वेस्टमेंट और चौथा है ऑप्शन ऑफ विड्रॉल लमसम मनी। चलिए दोस्तों, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एलिजिबिलिटी के ऊपर। 0 ईयर टू 55 ईयर्स का व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है। ये पॉलिसी 4 ऑप्शंस में अवेलेबल है। ऑप्शन नंबर 1, 0 टू 4 ईयर्स, ये 30 साल के बाद आपकी पेंशन चालू कर देगी। ऑप्शन नंबर 2, 5 टू 9 ईयर्स, ये 25 साल के बाद आपकी पेंशन चालू कर देगी। ऑप्शन 3, 10 टू 14 ईयर, ये 20 साल बाद आपकी पेंशन चालू कर देगी। और ऑप्शन 4 में 15 साल से लेके 55 साल का व्यक्ति 15 साल के पेमेंट टर्म के बाद ही अपनी पेंशन चालू कर सकता है, यानी कि जब पेंशन चालू होगी तो पूरी जिंदगी भर के लिए चालू होगी। सबसे ब्यूटीफुल बात क्या है इस प्लान की कि आप इसमें एक स्पेशल डेट चूज कर सकते हैं, चाहे वो अपने बच्चे का बर्थडे हो, वाइफ का बर्थडे, एनिवर्सरी का बर्थडे, अपने पेरेंट्स का बर्थडे, वो आप डेट सेलेक्ट कर सकते हो, उसी दिन आपको ये पेंशन साल में मिल जाती है। होल लाइफ फिक्स पेंशन जब मैंने कहा था इसका मतलब था 8% गारंटीड अमाउंट। होल लाइफ टर्म इंश्योरेंस ये है 100 सालों के लिए। इन्वेस्टमेंट एंड
ऑप्शन ऑफ विड्रॉल लमसम मनी, ये दोनों पॉइंट्स मैं कैलकुलेशन के साथ आपको समझा देता हूँ। चलिए तो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल वन, इसमें हमने व्यक्ति की उम्र 30 साल के लिए जिन्होंने 20 लाख रुपए का सम अश्योर्ड लिया है, इन्होंने जो पेमेंट टर्म करना है वो 15 साल के लिए करना है, उसके बाद उनकी 46 साल की उम्र से लेकर 100 सालों तक 1,60,000 रुपए की पेंशन चालू हो जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर पेंशन की। ये देखिए 15 साल तक का हमारा पेमेंट टर्म था जो कि मैंने रेड करा हुआ है, उसके बाद ये पेंशन वाला हमारा फॉर्मेट है। यहाँ से 1,60,000 रुपए पूरे 100 सालों तक ये मिलती रहेगी। जितना भी मैं इसको नीचे करूंगा, आप देखिए लेफ्ट साइड में एज लिखा हुआ है, ये पूरा नीचे तक चलता रहेगा। ये तो 88 पे भी रुका है, ये पूरे 100 सालों तक मिलती रहेगी ये पेंशन। जितने उम्र तक पॉलिसी होल्डर जिंदा रहेगा तब तक ये मिलती रहेगी। अच्छा, ये तो होगी पहली चीज। दूसरी चीज मैंने बात की थी होल लाइफ टर्म इंश्योरेंस। ये क्या, देखिए कोई भी आप देखेंगे इसमें 30 साल की उम्र में व्यक्ति को नेचुरल डेथ और एक्सीडेंटल डेथ पे जो क्लेम मिल रहा है, ये क्लेम हर साल बढ़ता चला जा रहा है और ये 100 सालों तक बढ़ता चला जाएगा दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं सरेंडर वैल्यू की भी और साथ के साथ लोन की भी। इसमें ऑप्शन है, आप लोन भी ले सकते हैं। इसमें आपको आईटीआर वगैरह जमा करने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत इजीली लोन मिल जाएगा। वो अपने बॉन्ड पेपर्स आप ऑफिस में जाके जमा कराइए और लोन आपको मिल जाता है। अब हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट की और एक विड्रॉल अमाउंट की जो हम बात कर रहे थे इस पॉलिसी के अंतर्गत हमको मिलता है। दोबारा से एग्जाम्पल रिपीट कर देता हूँ। हमने एग्जाम्पल लेना है 30 साल की व्यक्ति का जिसका सम एश्योर्ड 20 लाख का है और पेमेंट टर्म 15 साल का उन्होंने चूज किया है, यानी 15 साल के बाद उनको जो पेंशन मिलनी चालू होगी वो होगी 1,60,000 रुपए की। इस पॉलिसी के अंतर्गत अगर पॉलिसी होल्डर 100 साल तक जीते हैं तो उन्हें 1,99,00,000 रुपए मिलते हैं मैच्योरिटी पे। बट ऐसा नहीं होता है। आप बोलेंगे 100 साल तक कौन जीता भाई, 70 साल का एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें वो विड्रॉल करेंगे तो उनको क्या मिलेगा। पहले तो 24 साल उन्होंने पेंशन ली है जो 38,40,000 रुपए की होती है, उसके बाद अगर वो विड्रॉल करते हैं 70 की उम्र में तो उनको 72 लाख रुपए और मिलते हैं, और जो टोटल अमाउंट इस पॉलिसी के अंदर उनको मिल जाता है वो होता है 1,12,00,000 रुपए का। हम ये भी देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट के तौर पे हमने क्या जमा किया था और कितना हमको मिल रहा है। टोटल अमाउंट मैंने 70 की एज में आपको बताया है 1,12,00,000 रुपए का मिलता है, जिसमें हमने टोटल पैसे जो जमा किए थे इस पॉलिसी के अंतर्गत वो है 24,50,000 रुपए, जो प्रतिदिन 444 रुपए का हमारा इन्वेस्टमेंट करती है हमारे रिटायरमेंट प्लान के लिए। 444 रुपए मात्र हमको सिर्फ 15 सालों तक जमा करने होते हैं। अब हम एग्जांपल लेंगे पॉलिसी होल्डर 70 साल की उम्र में अगर दुनिया से अलविदा हो जाते हैं तो पहले तो उन्होंने पेंशन ले लिया 38,40,000 रुपए की, डेथ क्लेम जो मिलेगा उनको 86 लाख रुपए का मिलेगा। टोटल पैसा हो जाता है इसमें भी 1,12,00,000-14,00,000 के आसपास का कम तक बैठ जाता है। सेम सिर्फ 444 रुपए प्रतिदिन 15 सालों के लिए हमने अपने रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करने होते हैं। टोटल पैसा हम 24 लाख रुपए के 24.5 लाख रुपए के आसपास पॉलिसी में जमा करते हैं। एग्जाम्पल टू लेंगे। एग्जाम्पल टू में हम देखेंगे कि एक व्यक्ति जिसकी उम्र 45 साल की है, उन्होंने सम एश्योर्ड सिर्फ 5 लाख का लिया है और 15 साल का पेमेंट टर्म उन्होंने चूज किया हुआ है, यानी कि 61 साल की उम्र से लेकर 100 साल तक उनको जो पेंशन मिलेगी वो होगी 40,000 रुपए साल की। चलिए फिर से कैलकुलेशन को समझ लेते हैं। सबसे पहले तो पेंशन चालू हो जाएगी, जैसे ही उनकी उम्र हो जाएगी 60 साल की उनकी पेंशन चालू हो जाएगी भैया से 40,000 रुपए वो पूरे 100 साल तक उनके मिलने वो तो फिक्स है, गारंटेड है, उसमें कोई छेड़ बदलाव नहीं कर पाएगा। अच्छा, दूसरा सेम चीज हमने समझी थी इसमें कि हम देख रहे थे एक्सीडेंटल केस में, और हमने जब होल लाइफ रिस्क कवर की बात की है तो दोनों नेचुरल डेथ और एक्सीडेंटल डेथ, इसमें देखिए हर साल सम एश्योर्ड अपने आप बढ़ रहा है। ये हमारा लोन अमाउंट है। लोन अमाउंट जैसे मैंने आपको बताया बॉन्ड पेपर सबमिट करने होते हैं, लोन मिल जाता है। चलिए तो इसकी भी कैलकुलेशन को समझ लेते हैं। हमने लिए इसमें 45 साल की 5 लाख का सम एश्योर्ड हमने चूज किया हुआ है, 15 सालों तक हम इसको पे करेंगे, 61 साल की उम्र से लेकर 100 सालों तक 40,000 रुपए मिलने वाले हैं। मैच्योरिटी अमाउंट 100 साल में मिलेगा, वो भी मैंने आपके स्क्रीन पे रख दिया है जैसा पॉलिसी बोलती है, लेकिन इसकी कैलकुलेशन भी हम 70 साल तक करेंगे। 70 साल में पॉलिसी होल्डर विड्रॉ करेंगे अगर पैसा तो कितना पैसा मिलता है। पहले 4 लाख रुपए विड्रॉल अमाउंट, 9.5 लाख रुपए का इनको मिल जाएगा इस पॉलिसी के अंतर्गत, क्योंकि ये पॉलिसी 61 साल से 100 साल तक इनको जो रिटर्न देने वाली है वो 8% की है, यानी 5 लाख का उनका लगभग जो 8% होता है वो 40,000 रुपए हो जाता है। टोटल अमाउंट इन्हें 13.5 लाख रुपए इनको इस पॉलिसी के अंदर मिलता है अगर 70 साल में इसको विड्रॉ करते हैं। टोटल पैसा इन्होंने सिर्फ 6 लाख रुपए में इन्वेस्ट किया था और प्रतिदिन 111 रुपए इन्वेस्ट किए थे इन्होंने इस रिटायरमेंट प्लान को लेने के लिए। बात करेंगे पॉलिसी होल्डर 70 साल की उम्र में अगर दुनिया को अलविदा कहते थे तो परिवार को क्या मिलता है। पहले सेम चीज वही 4 लाख रुपए जो कि 10 सालों तक इन्होंने पेंशन ली है वो उनको मिल जाते हैं, उसके बाद जो डेथ क्लेम होता है वो 11,20,000 रुपए का इनको मिलता है 70 साल की उम्र में। 6 लाख रुपए टोटल इन्वेस्ट करने होते हैं, सिर्फ 111 रुपए इनको इन्वेस्ट करने हैं अपने इस पेंशन प्लान के लिए। 111 रुपए कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, इससे ज्यादा तो हम दिन भर में खर्चा कर ही देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3,
ये पेंशन प्लान एक बच्चे के लिए लिया गया जिसकी उम्र 8 साल की, 5 लाख का सम एश्योर्ड है, पेमेंट टर्म 25 साल का उन्होंने चूज किया हुआ है। जितना लंबा पेमेंट टर्म रहेगा उतना कम हमारा प्रीमियम जाएगा। पेंशन बच्चे की जो चालू हो जाएगी वो 40,000 रुपए की हो जाएगी, जैसे ही वो 32 साल का हो जाएगा उस 32 साल से लेके 100 सालों तक 40,000 रुपए उसको हर साल मिलते रहेंगे। कैलकुलेशन समझते हैं, आइए। पेंशन चालू हो जाएगी जैसे ही बच्चे को 25 साल पूरे हो जाएंगे, 40,000 रुपए की पेंशन उनको चालू हो जाती है 100 सालों तक, लाइफ लॉन्ग। ये पॉलिसी बच्चे को बहुत अच्छा रिटर्न मिलने वाली है। आओ कैलकुलेशन को पूरा ध्यान से समझ लेते हैं। ये देखिए, इसके बाद बच्चे की पेंशन चालू, जितना भी येलो टिक हो रखा है ये पूरी पेंशन चालू हो जाती है पूरे 100 सालों तक, राइट। साथ में इसमें एक्सीडेंटल का भी सेम प्रोसेस है, जैसे मैंने बताया था LIC के हर प्लान के अंदर जो भी आपका सम एश्योर्ड होगा उसका नेचुरल डेथ का सम एश्योर्ड सेम रहता है, एक्सीडेंटल डेथ का जो सम एश्योर्ड है वो हमेशा डबल रहेगा, राइट। ये इसका कैश वैल्यू, लोन अमाउंट, सारी चीजें आपकी स्क्रीन पे है। चलिए तो वापस कैलकुलेशन को वापस ले चलते हैं। बच्चे की उम्र 8 साल की, उनके पिताजी ने, उनके दादाजी ने जिसको एज ए गिफ्ट ये दिया हुआ है, 5 लाख का सम एश्योर्ड है, 25 साल तक इनको पे करना है। जैसे ही बच्चा 32 साल का हो जाएगा, 32 साल से 100 साल तक उसको 40 लाख रुपए हर साल मिलते रहेंगे। 45 साल तक चलेगी पॉलिसी, अगर 70 साल में विड्रॉल कर लेते हैं तो 45 साल इन्होंने पेंशन लिया, 18 लाख की विड्रॉल अमाउंट 23,15,000 रुपए का उसको मिल जाता है, अंतर्गत मिलता है। टोटल अमाउंट 41,15,000 रुपए इस पॉलिसी के अंतर्गत मिल जाता है। टोटल पैसा इन्होंने जो इन्वेस्ट किया था वो 4.5 लाख रुपए किया था सिर्फ, यानी 25 साल तक इन्होंने 52 रुपए प्रतिदिन जमा किए हैं इस पॉलिसी के लिए, रिटायरमेंट प्लान के लिए। चलिए एग्जांपल लेते हैं, 70 साल की उम्र में पॉलिसी होल्डर कुछ हो जाता है तो पहले तो उन्होंने 45 साल 18 लाख रुपए पेंशन ले ली है, उसके बाद जो डेथ क्लेम मिलता है वो 20,20,000 रुपए का परिवार को, नॉमिनी को मिलता है। फिर जो टोटल अमाउंट इस पॉलिसी के अंतर्गत इनको मिला है वो है 38 लाख रुपए के आसपास का। टोटल पैसा इन्होंने जमा किया था 4.5 लाख रुपए, प्रतिदिन 52 रुपए इन्वेस्ट किए गए हैं इस पॉलिसी के अंतर्गत।